नमस्कार दोस्तों, आप सभी तमाम दोस्तों के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, वैक्सीनेटर सहायकों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। वैक्सीनेटर सहायक पशुपालन विभाग के जो बहुत ही उपयोगी कार्यकर्ता हैं उनके बारे में जानकारी है। दोस्तों, अगर आप एक वैक्सीनेटर सहायक हैं या पशुपालन विभाग में काम करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि वैक्सीनेटर सहायकों के साथ जो है पिछले काफ़ी दिनों से नाइंसाफ़ी हो रही थी। दोस्तों, इसी को लेकर के जो है एक बड़ी अपडेट और जो पैसे ट्रांसफ़र किए गए उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। क्या है पैसे ट्रांसफ़र करने का पूरी जानकारी दोस्तों आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि वैक्सीनेटर सहायक कौन से विभाग में है और वैक्सीनेटर सहायकों का क्या काम था और किस लिए ये लोग आंदोलन किए थे और उसका क्या परिणाम अब आया है। दोस्तों, वैक्सीनेटर सहायकों की जो मांगे थी वो 18,000 रुपये थी और आप लोगों को पता ही होगा कि वैक्सीनेटर सहायक पशुपालन विभाग के एक अभिन्न अंग थे और इनके माध्यम से पशुपालन विभाग में जितना भी FMD का कार्यक्रम था वो और भी बहुत सी ऐसी सेवाएँ थी जो इन्होंने बहुत ही बखूबी निभाया। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने बहुत ही तल्लीनता के साथ कोरोना काल में भी काम किया, लेकिन उसको अगर बात किया जाए सैलरी के तौर पर तो उतना सही इनको सैलरी नहीं मिल पाई, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है वैक्सीनेटर सहायकों में नाराज़गी देखने को मिली। कई बार इको गार्डन में वैक्सीनेटर सहायकों के द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन उसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। कई बार संगठन भी बनाए गए लेकिन एकता ना होने के कारण ये जो संगठन थे ये भी धीरे धीरे टूट गए और इनका भी कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वैक्सीनेटर सहायकों की मांगे थी वो अभी भी वैसे की वैसे ही है और आज तक अभी भी जो 18,000 की मांगे हैं वो वैक्सीनेटर सहायकों की वैसी बनी हुई है। दोस्तों, अगर आप वैक्सीनेटर सहायक हैं या पशुपालन विभाग में काम करते हैं तो महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी अपडेट हम आपको चैनल के माध्यम से देते रहते हैं जो भी हलचल होती है। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि अगले महीने में 18,000 रुपये हो जाएगी सैलरी, तो क्या ये जानकारी आप लोगों को भी मिली? अगर ये बात सही है तो क्या वास्तव में 18,000 अब मिलने लगेगा या नहीं, हमें आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और ताकि सभी को पता चल सके। धन्यवाद।